एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इतनी धूप आ रही है यहाँ पे, अभी मैं उठी हूँ और पहले मैं यहाँ पे अपनी वीडियो के इंट्रो शूट करती थी, अभी यहाँ पे शूट कर रही हूँ दोबारा से। और यहाँ मुझे इतनी ख़ारिश हो रही है, पता नहीं किस चीज़ ने काट ली है या एलर्जी हो रही है। खैर, वो नेकलेस पहनती हूँ उसकी वजह से मुझे कभी कभी हो जाता है, भले वो गोल्ड वाला हो या आर्टिफिशियल हो। तो अभी उठी हूँ, मैंने सनस्क्रीन लगाई है अभी अपने फेस पे, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है, कुछ काम भी है आज, अब टीचर्स ऑफिस में भी काम है थोड़े, मुझे अपनी चीज़ें भी लेनी है। तो मैंने कहा आज आई हुई हूँ तो आज यहीं पर ये काम सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। तो आज बनी है बाइक वाले चले जाएं, फिर ही मैंने सोचा बोलूँ। तो आज बनी है बिरयानी, पहले हम खाना खाते हैं जल्दी से और फिर अपना आज का दिन जो है वो स्टार्ट करते हैं। धूप इतनी है कि बात भी नहीं हो रही, तो अंदर चलते हैं। अच्छा जी, तो नाश्ते में आज सुबह सुबह हम लोग खा रहे हैं बिरयानी, और ये है हमारी बिरयानी। इतनी ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी सी के साथ हम ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। अच्छा जी, तो जल्दी से लंच कर लेते हैं। और ये जो बिरयानी जो है ना, ये ओहो बड़ी ही जो है ना वो मज़ेदार है ये बिरयानी। सबसे पहले काम जो है वो एटीएम का है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग अपना कैश विड्रॉ करवा लेते हैं और फिर चलते हैं कुछ ग्रॉसरी स्टोर पे। माँ को कुछ काम था, मैंने कहा चले मेरे साथ भी चले, मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, ग्रॉसरी करके जो है ना वो मुझे लेके देनी थी जो मैं डिवाइड करती हूँ। आप लोग भी अपनी सैलरी अपने इनकम्स में जो है ना वो थोड़ा बहुत जिनको भी डिवाइड करना चाहते हैं, अपने करीबियों को या जो भी आपके साथ रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अपनी सैलरी में से अगर 10% भी उनमें डिवाइड कर देंगे ना, तो यकीन करें कि आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन होती है एक तो, और इसका सवाब भी जो है ना वो अल्लाह पाक आपको आखिरत में ज़रूर देंगे और आपकी जो इनकम है उसमें भी जो है ना वो बहुत इजाफ़ा होगा। तो मुझे ग्रॉसरी करनी थी कुछ उनके लिए और कुछ अपनी, मेरी चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो बस जल्दी जल्दी से मैं सब तो नहीं दिखाया कि मैं क्या क्या ले रही थी, तो कुछ ग्रॉसरी की, उसके अलावा घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो अम्मा ने और मैंने आते हुए कुछ सामान ले लिया। तो बस मैं सब चीज़ें सर्व करी, मैंने अम्मा को कहा कि आप जाएं बैठे, मैं सर्व करके लाती हूँ। केक लाए थे हम लोग, पेटीज लाए थे, निम्को वगैरह, और ये मीठे बिस्किट होते हैं, मुझे तो नहीं अच्छे लगते लेकिन मम्मा को बहुत पसंद है। और उसके साथ हम लोग मिरिंडा ले आए थे, जूस ले रहा था लेकिन जूस मिला ही नहीं, तो अम्मा ने कहा कि चलो मिरिंडा ही ले लेते हैं। और अम्मा के घर पर आगे फुल वही चिटिंग हो रही है, और कल भी पिज़्ज़ा खाया था और आज ये खा रही हूँ, रात में फिर कुछ अनहेल्दी। तो बस यहाँ पे खाला आई हुई थी तो हम सब बैठे यहाँ पे बातें शातें कर रहे थे, खा रहे थे, तो मैं फुल टाइम जो है ना वो इन्जॉय कर रही थी। तो मैंने अपने लिए एक लिया है ये गार्नियर का फेस वॉश, मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ और ये मुझे मिला है 490 रुपीज़ का, और मैं यूज़ करूँगी फिर बताऊँगी कैसे। इससे पहले मैं बायोडर्मा का यूज़ कर रही थी, रोज़ वाटर ख़त्म हुआ हुआ था मेरे पास, तो रोज़ वाटर लिया है। मेरे पास हर कहीं रोज़ वाटर रखा होता है, मेरे स्टूडियो रूम में, फ्रिज में, वैनिटी में। डिन टॉनिक नहीं थी हमारे वॉशरूम में तो वो मैं एक लेके आई हूँ। उसके अलावा मैं ट्रेस्मी लेके आई हूँ, पेंटीन यूज़ कर रही थी तो बस दिल चढ़ गया मेरा पेंटीन यूज़ कर करके। ये कंडीशनर लाई हूँ मैं, और ये वाला मुझे मिला है 700 रुपीज़ का, और इसका शैम्पू जो है वो 500 का मिला है, पता नहीं ऐसा क्यों है। पहले मैं ट्रेस्मी यूज़ करती थी, अब मैंने आज दोबारा देखा तो मैंने कहा कि चलो ट्रेस्मी यूज़ करके देखती हूँ, देखूँगी कैसे रिजल्ट हैं कैसे नहीं। और मैं लॉरियल का देख रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला तो फिर मैं ट्रेस्मी ली। उसके अलावा ये कुछ टिशू रोल्स हैं ख़त्म हुए थे, कॉटन पैड्स थे मुझे चाहिए थे, तो ये सब चीज़ें जो है वो मैं लेके आई हूँ। और अभी यहाँ पे मेरा वर्कआउट का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:30, तो मैं वर्कआउट कर लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरे आईब्रोज़ भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इनको भी सॉर्ट आउट करेंगे जल्दी, तो वर्कआउट कर लेते हैं पहले जी। तो सुबह से रूम ही नहीं दिखाया था, मैंने सोचा अभी आप लोगों को अपना रूम दिखा देती हूँ। वर्कआउट करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत खाया, कोकोमो खाई, फिर मम्मा ने रोल मंगवा लिए। मगे घर आई ना, कोई पता नहीं चल रहा शेड्यूल का, अपने घर एक शेड्यूल सेट हो जाता है ना, तो ये मेरी स्किन इतनी ग्लो नहीं कर रही, आया है मुझे पसीना क्योंकि मैं वॉक कर रही थी। और आज कुछ खास है कि आप व्लॉग में गेस्ट आ गए थे शाम में, उनमें लगे रहे, फिर रोल बोल खाया, फिर अभी मैं ऊपर आई अपने रूम में, तो मैंने सोचा रूम तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं है, यहाँ आए अपना रूम ना दिखाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो खैर अभी तो सब सो ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले, तो मैं भी बस सोती हूँ। मैं थोड़ी लेट सोऊंगी 2 बजे तक, थोड़ा सा काम है एडिटिंग का वो करके, और फिर इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात होती है, सुबह मिलते हैं और इस व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, सुबह ही एंड करेंगे। ठीक है, बाय बाय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं उठी हूँ और ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम हो रहा है, फुल नींदें पूरी हो रही हैं, तो मैं अभी करने लगी हूँ अपना लंच में आज मम्मा ने बनाई है निहारी, तो इतने टाइम बाद आज मैं निहारी खाने लगी हूँ शादी के, हाँ एक दफ़ा ससुराल में बनी थी और अभी अम्मा के हाथ की बनी है, तो लंच करते हैं। तो अभी डालते हैं मज़ेदार सी निहारी,
ये आ गई जी हमारी निहारी। अब हम ले लेंगे थोड़ी सी प्याज ब्राउन किए हुए। मुझे ब्राउन प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरे वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे हरा धनिया, ठीक है, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज एंड वी आर डन। मज़े की निहारी और साथ ले लेते हैं रोटी। ये आ गया हमारा खूबसूरत सा लंच अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो मैं अभी ऊपर आई हूँ, मैं उठी थी तो मैं आके देखा तो मम्मा डीप क्लीनिंग करवा रही हैं, घर की कर्टन्स वगैरह साफ़ करवा रही हैं और जो भी क्लीनिंग वगैरह है। तो मैं बस अब उठी थी, सब लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि घर वाले इतना ब्लॉग में क्यों नहीं आते, तो मैं एक बात बता दूँ कि मेरे बाबा सुबह जाते हैं शाम में वापस आते हैं, ठीक है, उनकी जॉब भी है, उन्हें गाँव भी जाना होता है, ज़मीनें भी देखनी होती हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरे दोनों भाई यूनिवर्सिटी हैं और मैं अपने दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिस कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा छोटे वाले भाई को, मुझे कभी इधर ले जाता है कभी उधर ले जाता है, कभी हम लोग कहाँ पे चले जाते हैं तो वो नहीं है, तो मेरे बहुत से काम पेंडिंग में भी हैं, बहुत से शूट्स भी रुक जाते हैं क्योंकि एक वही है जो जिसको मैं हर कहीं लिए जाती हूँ। और बड़े वाले भाई की बस इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है और मम्मा अभी कामों में मसरूफ़ हैं, कामों से फ्री होती हैं तो फिर मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को मम्मा से। तो अभी मैं ऊपर आई थी तो सोचा थोड़ा आप लोगों को बताऊँ। इसमें तो आराम से सारे पैसे निकल। और मेरी अम्मा को देखें कि वो कोई कपड़ा वगैरह इस्त्री कर रही हैं जो उन्होंने स्टोर वगैरह में रखना है, और यहाँ पे सारी डीप क्लीनिंग चल रही है, सारे बिस्तर वगैरह बाहर निकाले हुए हैं। बस मेरी अम्मा और इनके काम, और मुझे भी अपने ससुराल भी जाना है जी। तो मैं आई हूँ अभी अपने ससुराल वापस, और रहने के लिए नहीं आई हूँ अभी, मैं कल वापस आऊँगी। आज यहाँ पे कुछ गेस्ट आ रहे थे तो मम्मी ने मुझे बोला कि मिलने के लिए आ रहे हैं तो तुम घर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर अम्मा लोगों के घर चली जाना। तो ऐसे ही होता है जब आपकी शादी बहुत पास हुई होती है ना, तो आप झट ससुराल झट मायके ऐसा चलता रहता। तो अभी बस मैं होने लगी हूँ रेडी। रेडी तो बस मैं इनका थोड़ा बहुत मेकअप कर लूँगा, और आप देखिए कि पिंपल भी हो रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि मैं पानी कम पी रही हूँ। और मेरे वर्कआउट का टाइम होता है यही 5:30 से 6:30 तक, तो लेकिन अभी गेस्ट आ रहे हैं, 5 बज रहे हैं तो मैं वर्कआउट नहीं कर सकती हूँ अभी, तो मैं रात को वर्कआउट कर लूँगी। और अभी हाँ सामान वेट लो, मंगा लो जो मंगवाना। अच्छा, तो मम्मी पूछ रही थी कि क्या क्या मंगवाना है, अब जा रहे हैं तो ले आते हैं। मैंने कहा कि जो आपको समझ आ रहा है वो मंगवा लें। तो रेडी तो बस कपड़े मैंने ही कर लिए, अपना ये वाली कुर्ती पहनी थी ये मैंने गाड़ी से ली थी, और मैं जल्दी से थोड़ा बहुत अपना क्रीम लगा लेती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ ताकि नई नई दूल्हा नहीं लगूँ। तो मिलने के लिए भी आ रहे हैं तो ऐसे कर लेते हैं, और मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। मैंने कबर्ड क्यों खोला है। अच्छा जी, तो मैंने पहनी हुई है ये कुर्ती, ठीक है, ये मैंने ली थी खाड़ी से, और इसके साथ ये वाइट मैंने पैंट्स पहनी है, साथ वाइट दुपट्टा है, एंड ये मेरा है OOTD। तो इसके यहाँ पे पॉकेट्स भी लगी हैं, तो ये मुझे कुर्ती बहुत अच्छी लगती है अपनी। मेरी पैसे दे अम्मी, कितने दो बेटा, ये दे दो बस। ये हम मंगवाने लगे हैं अभी कमरी से गोला गंडा, मेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो हमने अम्मी से ले लिए कमरी। अच्छा जी, तो अभी हम लोगों ने मंगवाया कमरी से गोला गंडा, कमरी ले आओ अपने लिए भी ले आना, वो अभी खाएगी बाद में खाएगी, दो ले आना बाद में खा लेना, फिर अपना बाद में ले आना। और यहाँ पे अम्मी बैठी है तैयार होके, हाय कर दे अम्मी। हाय, कैसे गुजरे आपके दो दिन, दिल्ली लगा आपके बगैर, झूठ सच सच बोला है, ईमान से सच बता रही हूँ, दिल्ली लगा, घर बिल्कुल सुनसान था। अम्मी वैसे अकेली होती है, अब्बू सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, और वसीम भी सुबह चले जाते हैं शाम में आते हैं। अम्मी ने मेरे को कितने बजे 5:30 बजे बुला लिया, 6 बज गए, खुद भी तैयार हो गई, मैं भी हो गई, मेहमानों को कोई इतना पता नहीं कि उन्होंने आना भी नहीं है। आने वाले नमाज पढ़ के आएंगे, अभी नमाज पढ़ेंगे, उनको आने आने में 1 घंटा लग जाएगा। हमने सोचा जब तक हम गोला गंडा मंगवा लें वो खा लें, और आप लोग बताइएगा कि अम्मी के साथ चैलेंज वीडियो करें, अम्मी करेंगी चैलेंज वाली वीडियो कोई बिरयानी खाने की, या कौन सी करे, पिज्जा की या बिरयानी, पिज्जा की, पिज्जा। अम्मी को भी पिज्जा बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो हम लोग पिज्जा की करेंगे। और गोला गंडा होता है या गोला गंडा होता है, हाँ जो भी गोला होता है, जो भी कहते हैं, हम लोगों ने बचपन से सुना गोला गंडा तो वो गोला गंडा ही बोलते हैं। अभी इस पे आगे मत क्रिटिसाइज कीजिएगा, गोला गंदा नहीं होता, गंडा होता है या क्या होता है। तो हम लोग जो, अम्मी गर्मी लग रही है आपको, ये पंखा चल रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने सारी लाइटें ऑन की हुई है, येलो वाली भी, तो इस वजह से गर्मी हो रही है। अब गोला गंडा आया हमारा, गोला है, फिर हम लोग आप लोगों से मिलते हैं, फिर खाते हैं। ये हमारा गोला सारा पिघला हुआ आ गया, जल्दी लाओ जल्दी 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 कमरी,
प्याली निकाल जल्दी से जल्दी से। गाइस ये हमारा आ गया गोला, ये अम्मी का है, अम्मी खाने लगी हैं और ये मेरा है। देखते हैं पहले कौन खाता है, जो खाएगा वो पिज्जा मंगवाएगा। जो हारेगा वो पिज्जा मंगवाएगा। सास के साथ मुकाबला हो रहा है। हाँ, देखते कौन जीतता है। वेलकम, चैलेंज हो रहा है यहाँ पे गोला गंडा खाने का। इधर आ जाओ। हाल पहले कौन खा दो, कौन खाएगा पहले, कौन जीतेगा? इधर आके बता, उसको दिखा ना हार। उसको हार तो चुप रहा है। इधर इधर कर दे। हम आप ही जीत गए। गाइज ये मेरा थोड़ा सा रहता है, अम्मी जीत गई है, सही है। और अम्मी यहाँ पे जीत गई, अम्मी की आंखों में पानी आ गया, जितनी स्पीड से खाया मैं हार गई। थोड़ा सा हारिस आ गया, मुझे हंसी आने लगी, आप क्यों आए बीच में? और यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे रैंडम व्लॉग में किया। अगर आप लोग कोई ऐसा चैलेंज देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम लोग करेंगे। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज़ कर दे। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, काफी लंबा हो गया। अगले व्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।